भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए हाल ही में 106 ऐप्स को बैन कर दिया है। पहले भारत ने 59 ऐप्स को बैन किया और उसके बाद 47 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इन ऐप्स को बंद करने के बाद 275 ऐसे और ऐप्स भी सरकार के रडार पर हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा गेम ऐप पबजी का नाम भी शामिल है। पबजी मोबाइल स्मार्टफोन पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। ऐसे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि पबजी भी चीनी ऐप की कैटेगरी में आता है। इसका डेटा स्टोर कहाँ होता है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पबजी एक साउथ कोरियाई ऑनलाइन वीडियो गेम है और इस गेम को ब्लू होल की सहायक कंपनी बैटल ग्राउंड ने बनाया है। ये कंपनी साउथ कोरिया की है। पबजी मोबाइल को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 2018 में रिलीज किया गया था। चीन की सबसे बड़े वीडियो गेम पब्लिशर टेसेंट गेम्स ने ब्लू होल में हिस्सेदारी खरीद रखी है, यानी कि पबजी में ब्लू होल का भी हिस्सा है। पबजी के मोबाइल वर्जन को टेसेंट ने ही डेवलप किया है, इसी वजह से पबजी मोबाइल ओपन करने पर टेसेंट गेम्स का लोगो दिखता है। पबजी का पब्लिशर ब्लू होल की सहायक कंपनी बैटल ग्राउंड है और पबजी मोबाइल का पब्लिशर टेसेंट है। ब्लू होल ने चीन में टेसेंट के साथ मिलकर पबजी मोबाइल को लॉन्च किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी का सर्वर भारत में है। भारत के यूजर्स का डेटा यहीं सर्वर में स्टोर होता है। भारत के अलावा कंपनी का सर्वर चीन, अमेरिका और सिंगापुर में भी है। यहाँ भी यूजर्स का डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। पबजी की पॉलिसी के मुताबिक कंपनी पबजी मोबाइल का डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है। थर्ड पार्टी यूजर्स का डेटा कलेक्ट और यूज कर सकती है। यहाँ पर डेटा के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 2020 की मार्च तक पबजी मोबाइल की 60 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। वहीं पर मई में पबजी मोबाइल से $226 मिलियन की कमाई हुई थी। इसी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला यह मोबाइल गेम बन गया था। पबजी मोबाइल तो चीन का नहीं है, लेकिन इसमें चीन की कंपनी का शेयर है। यहाँ पर स्टोर होने वाले डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं है और ये किसी के साथ भी शेयर की जा सकती है। पबजी चीन का ना होते हुए भी इसमें चीन का कुछ शेयर है, इसलिए भारत सरकार को इसे भी बैन करना चाहिए और आने वाले समय में ये ज़रूर बैन हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।